नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं दीपक डोभाल। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जी हां, रहीम के इस दोहे से आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका एक खास कारण है। इसका मतलब यह है कि एक को साधने से सब सधते हैं, लेकिन सबको साधने से सभी के जाने की आशंका भी रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे की जड़ को सींचने भर से फूल और फल सभी को पानी मिलता है, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर भी कुछ ऐसे ही रूट्स की तरफ लौटी है। राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, इन तमाम सवालों ने दबाव का काम किया है। कम से कम फिलहाल तो यही लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने एक अर्जी दी है। अर्जी में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह साफ करने की कोशिश की है कि बीजेपी कम से कम गैर विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का काम शुरू करना चाहती है, जिससे संतों में, राम भक्तों में उम्मीदों की एक नई किरण फूटी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया कि सारे विवादों का अंत ही हो गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले तमाम वार फिलहाल बेअसर हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल खत्म हो गए। ये रिपोर्ट देखिए, सारी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के जरिए मामला थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, और जब लौटेंगे तो होगी इस मुद्दे पर चर्चा अपने मेहमानों के खास पैनल के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक, हर कहीं इन दिनों एक ही सवाल पूछा जा रहा है, राम मंदिर कब बनेगा। लेकिन लगता है कि राम भक्तों के सब्र का फल मिलने वाला है। जी हाँ, राम मंदिर पर संतों और राम भक्तों का गुस्सा झेल रही केंद्र सरकार ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। अर्जी में अयोध्या की गैर विवादित जमीन को उसके मूल मालिकों को वापस देने की अनुमति मांगी गई है। दरअसल अयोध्या विवाद के बाद 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के आसपास 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। केंद्र सरकार आज भी इसकी कस्टोडियन है। इसमें 42 एकड़ से ज्यादा जमीन श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति की है। सरकार चाहती है कि ये जमीन अब न्यास को वापस की जाए। केंद्र ने कहा कि अयोध्या जमीन अधिग्रहण कानून 1993 के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर ही अपना हक जताया था। बाकी जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने कभी दावा ही नहीं किया। इसलिए बचा इलाका गैर विवादित है और इसे इसके मूल मालिकों को लौटा देना चाहिए। सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी को सरकार के इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के इस कदम पर आपत्ति जाहिर की है। पूरे दुनिया को दिखाया गया था जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी। आज कोर्ट का फैसला जो है अभी तो आया नहीं है, अभी तो कोर्ट का फैसला लंबित है। सरकार ने जो जमीन अधिग्रहित किया है वो जो है हिंदू पक्ष को देने को तैयार है। उस जमीन से हमें कोई इतराज नहीं। सरकार वो जमीन जो भी चाहे करे, हमें कोई इतराज नहीं है। कल्याण सिंह को अगर सजा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करने के लिए, तो योगी को भी हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट या कोई अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद लगातार सरकार से मांग करता रहा है कि गैर विवादित जमीन को न्यास को सौंप दिया जाए। 2002 में कोशिश हुई थी कि गैर विवादित जमीन को ट्रस्ट को दिया जाए, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं हो पाया। पहली बार केंद्र सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी है कि गैर विवादित जमीन को उनके मूल मालिकों को सौंपने दिया जाए। गैर विवादित जमीन अगर उनके मूल मालिकों को मिल जाती है तो विश्व हिंदू परिषद मंदिर के अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य शुरू करा सकती है। यही वजह है कि संत समाज हो या बीजेपी नेता, हर तरफ केंद्र के फैसले का स्वागत हो रहा है। केंद्र सरकार ने जो एप्लीकेशन दिया है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा नए एंगल के साथ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। यहाँ से आगे का सफर बड़ा दिलचस्प होगा। चुनावी माहौल में इस मामले पर राजनीति होना तय है, और तय है कुछ सवालों का सिर उठाना भी। क्या गैर विवादित जमीन पर ही मंदिर निर्माण होगा? क्या यही है राम मंदिर निर्माण के शुरुआत की उल्टी गिनती? क्या इस कदम से बीजेपी को संत समाज से गुस्से की जगह मिलेगा आशीर्वाद? और क्या मुस्लिम पक्ष भी देगा सरकार का साथ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तारीख पर तारीख देने वाला कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है? यही है आज के मुद्दे, और इन्हीं पर होगी देश की बात।
तो राम भक्त खुश हैं, संतों में उल्लास है, लेकिन सवाल बीजेपी पर ये भी उठ रहे हैं टाइमिंग को लेकर। क्या ये चुनावी पैंतरा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो कमिटेड थी पहले से, अपने इस स्टैंड पर वो अभी भी कायम है और राम मंदिर बनाने का उसका जो संकल्प रहा है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर राजनीति इसमें होना तय है, लेकिन इसके और भी पक्ष हैं। तमाम पक्षों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं अश्विनी उपाध्याय, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, 50 से ज्यादा PIL दाखिल कर चुके हैं, PIL मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अब्दुल रजाक खान, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विषयों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों पर काम करते हैं। अब्दुल रजाक खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं गीता भट्ट, संघ विचारक हैं, DU की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में लेख भी आप लिखती हैं और बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। गीता भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अतिकुर रहमान, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार माने जाते हैं, TV डिबेट्स में मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। अतिकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान विराग गुप्ता, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों के जानकार कहे जाते हैं, और एक खास बात, अयोध्या राम टेम्पल इन कोर्ट्स, इस चर्चित किताब के लेखक भी हैं। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो इससे पहले कि हम, और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, मुझे बताया गया है अभी हमारे साथ स्वामी दीपांकर भी होंगे और डॉक्टर महमूद पराचा भी होंगे अपने पैनल में, हम उनका भी स्वागत करेंगे जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज के मुद्दे के कई पहलू हैं, पहलू टेक्निकल भी हैं, भावनात्मक भी हैं, और चुनाव से जोड़कर भी इन्हें देखा जा रहा है। हम तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार ने ये जो स्टैंड लिया है वो कितना असरकारक होगा फिलहाल मौजूदा हालात में। और चलिए, स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। स्वामी दीपांकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर महमूद पराचा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप, शुरुआत करते हैं शो की, और जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट रहा है, शो की शुरुआत करते हैं हम रैपिड फायर राउंड से, जिसमें हम फटाफट 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं और इन तीनों का जवाब हमारे मेहमानों को हाँ या ना में देना होता है, और अगर वो उन्हें लगता है कि हाँ या ना में जवाब नहीं है तो नो कमेंट्स भी वो कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा यही कि हाँ या ना में जवाब दें। पहला सवाल ये रहा रैपिड फायर राउंड का, क्या सरकार की इस याचिका को मंदिर निर्माण की उल्टी गिनती माना जाए? अश्विनी उपाध्याय, आपसे शुरुआत, यस या नो? बिल्कुल, ये मंदिर निर्माण की सीधी गिनती है, बहुत जल्द इस पर मंदिर निर्माण शुरू हो जाए। ओके सर, यस। अब्दुल रजाक खान, दीपक बिल्कुल नहीं, अगर विवादित जमीन पर मंदिर नहीं बनना था तो ये हलचल क्यों मचाना था? बिल्कुल नहीं, मेरा जवाब है नो। ओके, गीता भट्ट जी। जी, सकारात्मक कदम है। ठीक, अतिकुर रहमान साहब। नो नो नो। ओके, स्वामी दीपांकर, ये तो गिनती खत्म की तरफ है, गिनती है ही नहीं, अब गिनती खत्म की तरफ है, तो एक सकारात्मक कदम है, मैं इसकी स्वागत करता हूं, निसंदेह। विराग गुप्ता जी, नहीं, पुनर्मुस्को भाव। आगे करेंगे इस पर विश्लेषण, लेकिन फिलहाल दूसरा सवाल आज के रैपिड फायर राउंड का, क्या मंदिर निर्माण पर सरकार का यह एक राजनीतिक कदम है? ये आरोप भी और एक सवाल भी है। अश्विनी उपाध्याय, हाँ या ना? नहीं, नहीं। अब्दुल रजाक खान, बिल्कुल हाँ। ठीक, गीता भट्ट जी, जी नहीं। अतिकुर रहमान साहब, यस यस हाँ। स्वामी दीपांकर, 100 करोड़ लोगों की आस्था राजनीति तो कम से कम नहीं हो सकती। नहीं, ठीक। विराग गुप्ता जी, नो कमेंट्स। ओके, और अब रैपिड फायर राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल, फटाफट उसे भी पूछ लेते हैं।
बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या गैर विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण से अयोध्या मामले का हल होगा? सीधा सा सवाल, अश्विनी उपाध्याय। हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब्दुल रजाक खान। जी हाँ बिल्कुल, गैर विवादित जमीन बगल में हो या दूर हो क्या दिक्कत है। ठीक। गीता भट्ट जी, देखिए मंदिर निर्माण की का एक जो है शुभारंभ होने की ये का की पहल है, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो जी हाँ कह सकते हैं। ठीक है। अतिकुर रहमान। बाकी सब दावे खत्म। हाँ ठीक। स्वामी दीपांकर, एक बार सवाल दोहरा दीजिए, हम सुन नहीं पाए। जी स्वामी, क्या गैर विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण से मामला हल होगा? स्वामी दीपांकर। गैर विवादित भूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ है। ठीक। और उम्मीद करते हैं डे टू डे अगर जो हियरिंग होगी, जब तक गर्भगृह की भूमि का जगह आएगा तब तक वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ मैं ले रहा हूं आपका जवाब। विराग गुप्ता जी। नहीं नहीं। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड जिसके जवाब हमारे पास हैं, आगे करेंगे विश्लेषण, लेकिन फिलहाल वक्त है आज के कड़क सवाल का जो हम पूछते हैं अपने देश की जनता से। देश की जनता से हमारा सीधा सा सवाल, क्या 2019 के चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू हो पाएगा? क्योंकि अब एक नया एक ताजा डेवलपमेंट शुरू हुआ है, क्या उम्मीद जगी है, क्या मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, ये बताना है हमारी देश की जनता को। अपनी राय आप फेसबुक पर जाकर @ZeeBusinessOnline पर जाकर दे सकते हैं, या ट्विटर हैंडल पर जाएं ZeeBusiness पर जाकर यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दें, और जो भी इस पोल के नतीजे होंगे उसे हम शामिल करेंगे शो के आखिर में और इस पर करेंगे छोटा सा विश्लेषण भी। और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत, और सबसे गुजारिश, बड़ा संवेदनशील मसला है, जब भी राम मंदिर का मसला आता है मैं हमेशा गुजारिश करता हूं अपने तमाम मेहमानों से कि कृपया शालीनता का परिचय दें, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तमाम इसमें पक्ष हैं, जो भी अपनी बात रखें शालीनता से रखें, जब भी आपको कहना हो हाथ उठाएं, मैं जरूर आपके पास आऊंगा और सबको मौका मिलेगा, लेकिन डिबेट शालीनता पूर्वक हो। यह हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट रहा है जिसकी शुरुआत अनिल सिंघवी ने की थी, और उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं शालीनता के साथ डिबेट चलाने का। तो यह मेरी गुजारिश, और अब करते हैं चर्चा की शुरुआत, शुरुआत अश्विनी उपाध्याय से। अश्विनी, मैंने रैपिड फायर राउंड में भी आपसे सवाल पूछा, और ये सवाल आरोपों के तौर पर अब बीजेपी के पाले में आप लोग झेल भी रहे होंगे, मुझे बताइए ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की स्टैंडर्ड पोजीशन है या वाकई में ये कदम चुनाव को देखते हुए संतों और राम भक्तों के दबाव को देखते हुए लाया गया है? देखिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा इस मामले में मैं वकील भी हूं। जी, मैं सिया वक्फ बोर्ड जिसमें पार्टी नंबर 6 है, हाँ, उसका वकील हूं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ऑल राइट, बताना जरूरी था क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट सर, अब मैं विषय ये बताता हूं, विवाद 0.3 acre का था, उसके लिए एक रास्ता चाहिए था, और अगर वो रास्ता अगर 40 feet भी चौड़ा बनाया जाए, आप जरा सोचिए 67 acre एक्वायर क्यों किया गया? एक्वायर ये किया गया कि 0.3 acre जमीन का विवाद था, उस समय यह हुआ कि अगर बाई दिवे ये मान लीजिए मुस्लिम पक्ष में चला जाएगा और चारों तरफ से इनका ऑलरेडी कब्जा ही है, सीता रसोई है, लक्ष्मण भवन है, राम वो बगीचा है, सब कुछ ही है, तो हो अगर बाई दिवे ये मुस्लिम पक्ष में जाएगा तो उनको रास्ता कहां से मिलेगा? इसलिए उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बोला कि नहीं हम जगह एक्वायर करेंगे, कायदे से उनको ज्यादा से ज्यादा 1 acre जगह कब्जा 1 acre जगह एक्वायर करना चाहिए था। मैं वहां व्यक्तिगत जाके देख चुका हूं, जो मेन रोड है और वहां से जो गर्भगृह जो विवादित जमीन जिसको कहते हैं 0.3 acre, वहां अगर 40 feet का रास्ता बनाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 acre जमीन चाहिए उस टोटल एक्वायर करने के लिए। लेकिन कांग्रेस की जरा तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए कि उसने 67 acre जमीन कब्जा कर लिया, सारे के सारे जितने वहां पे सीता रसोई और जो जितना और हिंदुओं की जमीन थी सारी कब्जा सारा एक्वायर कर लिया। और जब ये 5 judges का जजमेंट आया इस्माइल फारूकी का, उसका पैरा नंबर 49 कहिए तो मैं पीछे किताब रखी है आपको निकाल के पढ़ के सुना देता हूं, अदरवाइज मैं हिंदी में ऐसे बताता हूं। हाँ, उसमें कोर्ट ने बोला कि ये
हाँ, उसमें कोर्ट ने बोला कि ये सारी जमीनें तो हिंदुओं की है, आपने एक्वायर कर लिया है। मुझे लगता है कोर्ट का ये 5 जजेस बेंच का, मैं उसका जो नटसेल में बता रहा हूं, हमें लगता है ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है, लेकिन कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। और सबसे खास बात ये, उसके बाद कोई हिंदू आए नहीं। आपकी बात सही है, सहनशीलता का जरा देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। 15 साल हो गए, लेकिन जो आरोप सर लग रहे हैं, बाकी जमीन के लिए कोई आए नहीं, आरोप जो लग रहे हैं, सरकार को एक्वायर करना चाहिए था 1 एकड़ जमीन का। हाँ, आरोप जो बीजेपी पर लग रहे हैं सर, मैं उस पॉलिटिकल आरोपों की बात कर रहा हूं जो बीजेपी पर लग रहे हैं, वो ये लग रहे हैं कि एन चुनाव से पहले बीजेपी लाई है। संत समाज भी कह रहा है कि 2014 में आप लोगों ने याचिका क्यों दायर नहीं की, तो शायद इतना लंबा मामला खिंचता नहीं। सवाल ये बीजेपी पर है, ये आरोप है, इसका जवाब अगर आपके पास है तो दे सर। देखिए, हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात तो यह कि उस समय इसलिए लगा सकते थे कि उसके बाद जब याचिका आई तो 2011 में एक स्टे हुआ था, मुझे लगता है अभी पराचा साहब बैठे होंगे, वो आपको बताएंगे। उस समय एक स्टे हुआ था, उस स्टे में ऐसे लगता था कि हो सकता है कि ये मामला और भी रहे, लेकिन जब अभी ये लोग लगातार 5 जजेस बेंच की मांग कर रहे थे कि ये इस्माइल फारूकी द्वारा रिव्यू किया जाए, इसका जो लीगल पहलू वो जनता को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ कि मुस्लिम पक्ष से ये मांग की गई कि नहीं नहीं, ये हमको रिव्यू चाहिए, इस्माइल फारूकी द्वारा रिव्यू करना हम चाहते हैं, क्योंकि इस्माइल फारूकी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मास्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ऐसा उसमें एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की है। उसको ये लोग रिव्यू मांग रहे थे, वो रिव्यू खारिज हो गया, उन्होंने बोला नहीं हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद अभी जो नए चीफ जस्टिस गगोई आए हैं, इन्होंने जब 5 जज बेंच का जजमेंट अपना 5 जज बेंच कंस्टिट्यूट किया, वो उस कंस्टिट्यूशन के टाइम एक उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट कराया, उस ऑर्डर में बोला कि हम अब दोबारा उसको रिव्यू नहीं करेंगे, हम इस्माइल फारूकी नहीं रिव्यू करेंगे, भूरे असलम भी रिव्यू नहीं करेंगे। तब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, केंद्र सरकार के सामने बिल्कुल रास्ता खुल गया। अब केंद्र सरकार जो उस 67 एकड़ जमीन की मालिक है, एक्वायर किया हुआ था, वो केंद्र सरकार के पास रास्ता खुल गया कि अब केंद्र सरकार उसको वापस लौटा दिया जाए। और केंद्र सरकार ने बिल्कुल लीगली बिल्कुल ठीक किया, मैं एक वकील के नाते कहता हूं केंद्र सरकार ने बिल्कुल ठीक किया कि अब वो जमीन लेके क्या करेगी, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें उस पर सुनवाई करना ही नहीं है, हमें इस्माइल फारूकी को रिव्यू नहीं करना, असलम भूरे रिव्यू नहीं करना है, तो ठीक है वो जमीन उनको वापस दे देते हैं। ठीक है, अब्दुल रजाक खान सवाल क्यों उठ रहे हैं, 500 साल पुराना ये मसला कहा जाता है, मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा, 500 साल पुराना मसला कहा जाता है, 7 दशकों से कोर्ट में है, पूरे देश की जनता देख रही है कि कब इस मसले का हल हो, कब देश में शांति आए, अमन सुकून आए, और लोगों की आस्था के केंद्र जो है भगवान श्री राम, उनका अगर मंदिर बनता है तो करोड़ों लोगों की आस्था का ये प्रश्न है, और उनको एक तरह से उनका जवाब उनके सवालों का मिल जाएगा। अब इतने बड़े देश की जनता के सवालों का जवाब मिलने की बारी आ रही है, सरकार ने एक पहल की है, तो फिर विपक्ष को इसमें आपत्ति क्या है, आप लोगों को तो साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। देखिए, एक प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि विपक्ष को आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं ऐसे शुरू करता हूं मेरी बात को, सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एक सेशन होता है जिसके अंदर सिखाया जाता है कि कोई चीज आपको बेचनी हो तो या तो कन्विंस कीजिए, कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा तो उसको कन्फ्यूज कर दीजिए। ये बीजेपी बिल्कुल ऐसे ही कर रही है कि देश को कन्विंस नहीं कर पाई। ये पिछले 30 सालों में तकरीबन 19 बड़े बड़े चुनाव जीतते हुए आई, तब इनको राम मंदिर की याद नहीं आई। सिर्फ मैनिफेस्टो में राम मंदिर लिखना, जय श्री राम के नारे लगाना, वोट हत्या लेना, सत्ता पा लेना, 2 सीटों की पार्टी 282 सीट हासिल की, पूर्ण बहुमत केंद्र में मिला, पूर्ण बहुमत प्रदेश में मिला, उत्तर प्रदेश में, फिर भी जाकर 4.5 साल ये कुछ नहीं। बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, अभी तो कांग्रेस की बात कीजिए, अभी विपक्ष की बात कीजिए। वापिस जाने के, सुन लीजिए, जब आपके पास 86 दिन है जाने के लिए, तो आप रिट पिटीशन ये डाल रहे हैं कि मंदिर निर्माण विवादित जमीन से हटकर बाजू की जमीन में करना शुरू कर देंगे। अगर आपको विवादित जमीन से हटकर मंदिर निर्माण करना था तो 92 में ही कर लेते, 93 में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंस लाया गया था तो वॉकआउट कर दिए थे आप लोग, तो उसी वक्त पे कर देते थे। किसको आपत्ति हो सकती है राम मंदिर के निर्माण से, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। लेकिन विवादित जमीन का फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती, यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ वकील बैठे, मेरे भाई महमूद पराचा जी बैठे, आप पूछिए उनसे, व्हेन द मैटर इज सब जुडिस इट हैज इट्स इंक्लिनेशन ऑन दैट लैंड एज वेल। तो आप ये घुमाने की कोशिश कर रहे हो कि इस जमीन को, बट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं
गवर्नमेंट ने तो कोई दहलीज नहीं लांगी ना, न्यायपालिका की दहलीज तो नहीं लांगी है जैसे विपक्ष के लोग और बाकी लोग लांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने तो कोई ऐसी दहलीज नहीं लांगी है, सरकार तो अपने दायरे में, कानूनी दायरे में याचिका लेकर आई है, रिट पिटीशन लेकर आई है, सरकार से दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। बहरहाल समाज इससे संतुष्ट है? नहीं, मैं आऊंगा। क्या संत समाज, वीएचपी, बजरंग, मैं आऊंगा ना। अरे उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना भैया। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आऊंगा। मैं गीता भट्ट के पास चलूंगा। गीता भट्ट, यहाँ पर एक सवाल उठाया अब्दुल रज़ाक ने, कितना ही अच्छा होगा दीपक भाई अगर मस्जिद की जगह मस्जिद आ जाए, विवादित जमीन से हटकर मंदिर बना दिया जाए। अब्दुल रज़ाक, मैं आऊंगा आपके पास। सेक्युलर रहेगा। गीता भट्ट, क्या इसे एक तरह से कहा जा रहा है कि जो आरएसएस का, संत समाज का और जो कुंभ में जो मंथन चल रहा है राम मंदिर पर, बैक टू बैक धर्म संसदें हो रही हैं, उनका एक दबाव है जो अब बीजेपी पर आया है? आरएसएस फिलहाल इस मूव को गवर्नमेंट के कैसे देखता है? देखिए डोभाल जी, भारतीय समाज में राम मंदिर बनाने को लेकर एक पिछले कुछ समय से एक जो बड़ी उदासीनता आ रही थी, उसको आज का जो भारत सरकार ने जो रिट पिटीशन डाली है, उसे एक बड़ा सकारात्मक मैं कहूँगी कि उन्होंने कार्य किया है। और इसको इससे कहीं ना कहीं एक आशा जागी है कि मंदिर निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ भी होगा, और जो अभी एक जो विवादित जो ढांचा है या जो जो छोटी सी जो भूमि का टुकड़ा है जिसके ऊपर जो केंद्र में है इस समय, उसको छोड़ के उसके बाकी आसपास की जो जमीन है, वो मैं ये मानती हूँ कि एक संवैधानिक सीमाओं को के अंदर सरकार ने ये पहल करी है। और इसके लिए मैं 2-3 बिंदु रखना चाहूँगी। जैसे उपाध्याय जी ने भी अभी बात रखी, जो 1993 में जब भूमि अधिग्रहण अयोध्या एक्ट के द्वारा जो इस जमीन को लिया गया, उसके बाद 1994 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये निर्णय किया कि ये जो अधिकृत जमीन है जो विवादित नहीं है और जिसको कि विवादित जमीन की देखरेख के लिए जितना आपको चाहिए उसके अलावा वापिस हो जाना चाहिए, जो मालिकाना हक जिन लोगों का है। हालांकि उसमें ये सिर्फ प्रश्न ये था कि कब होना चाहिए, लेकिन ये निर्णय है कि हो जाना चाहिए। उसको 1996 पे भी जो मालिकाना हक जिनका था उन्होंने इस विषय को उठाया। 1997 में भी इस बात के लिए वो न्यायालय में गए, और जब न्यायालय में गए तो उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि सरकार जो ये कह रही है कि अभी इसका जो विवाद है उसका फैसला आ जाए, उसके बाद हम वापस कर देंगे। फिर जो मोहम्मद असलम भूरे ने 2003 में जो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि वहां किसी तरह की गतिविधि और किसी तरह के जो धार्मिक कार्य नहीं होने चाहिए, तो वही जो निर्णय था, पर उस पे ये लिखा था कि जब तक इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, और जो कि 2010 में आ चुका है, तो पूरा जो अगर आप देखें तो इसमें जो भूमि है उसको वापस, जिनका मालिकाना हक है, जिसमें से करीब करीब 40 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास की भूमि है, जो उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश सरकार से खरीदी हुई भूमि है, जो उनकी बिल्कुल मतलब उनका जिसपे हक है, तो वो उसी हक को वापस लेने की बात है। तो इसपे इतना विवाद होना नहीं चाहिए। और जो और मुस्लिम समाज जो है, वो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को इसमें कोई आपत्ति होगी। जैसे कि आपने अभी पहले कहा भी कि इकबाल अंसारी जो जिन्होंने सबसे पहले इसकी याचिका दायर करी है, उन्होंने मुस्लिम समाज का पक्ष ले लेते हैं। आतिकुर रहमान से मुस्लिम समाज का पक्ष भी ले लेते हैं। आतिकुर रहमान, मुझे समझाएं, आज देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली हैं। मुस्लिम समाज में कोई कहता है कि नहीं, हम इसके खिलाफ जाएंगे, कोई कहता है कि नहीं, अगर गैर विवादित भूमि पर अगर मंदिर निर्माण का काम शुरू होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? क्या अब मुस्लिम समाज एकजुट होकर मंदिर निर्माण की राह को प्रशस्त करेगा? सवाल ये पूछा जा रहा है। जी बहुत, देखिए साफ सी बात है कि टाइमिंग बहुत गलत चुना है इन्होंने, जो काम 4 साल पहले भी कर सकते थे। बल्कि मैं तो यूं कह रहा हूं कि सुबह से मैं काफी लोगों से बातचीत कर रहा हूं कि जब उनका अनडिस्प्यूटेड लैंड ही मकसद था तो बाबरी मस्जिद को गिराया ही क्यों गया? ठीक है, खैर वो जो कुछ भी बात हुई, जैसा आपने अभी सवाल किया, मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात सुलझाने की कोशिश है तो आज आपको इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि अगर अनडिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर मंदिर की कार्रवाई आप शुरू कर रहे हैं तो आप जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें उनको जो कुछ भी करना है करने दीजिए, आप अपना क्लेम वहां पर छोड़ दीजिए।
ये बहुत अच्छा पहल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मांडवाली की बात हो रही थी, जो ये बात हो रही थी किसी तरह मामला सुलझ जाए, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन नियत देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा रही है ये क्लेम लेके कि भाई ये अनडिस्प्यूटेड लैंड को क्यों छोड़ा जाए, व्हाट इज द पर्पस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इनको पर्पस बताना पड़ेगा और वहां पर ये विफल हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। नहीं, आप लोगों को क्या दिक्कत, आप लोगों को क्या दिक्कत है अगर अनडिस्प्यूटेड लैंड नजर आ रहा है, अगर गैर विवादित, नहीं गैर विवादित जमीन पर, गैर विवादित है ना सर, बना लीजिए सर, गैर विवादित है ना, कोई विवाद नहीं है उस जमीन पर, अगर उस पर मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ता है तो फिर दिक्कत क्या है, वो तो गैर विवादित है, उसका नाम ही अनडिस्प्यूटेड लैंड है। तो नियत क्या है फिर, नियत राम मंदिर बनाने की है ना, अगर नींद से जागे हैं तो नियत क्या है, नियत राम मंदिर बनाने की है ना सर। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट में बोल दे, यानी कि जो बाबरी मस्जिद की जगह है वो छोड़ देंगे। मैं जवाब देता हूँ, अश्विनी जी आऊंगा सर, अश्विनी जी आऊंगा मैं आपके पास, पहले सबका रिएक्शन ले लूं, ठीक है। स्वामी दीपांकर, संत समाज खुश है, अब खुश हैं मोदी जी से, अब तो उन पर कोई दबाव नहीं आएगा चुनाव में। देखिए डोभाल साहब, ये जो फैसला लिया गया सरकार द्वारा रिट पिटीशन दायर करने का, निसंदेह समूचे कुंभ से आज सुबह से तकरीबन 100 फोन को सुन चुका हूं और सभी ने एक शब्द कहा कि स्वागत योग्य कदम है, निसंदेह स्वागत योग्य कदम है और मैं इसको प्रसन्नता भी करता हूं। हां, पर इतना जरूर कहूंगा कि इसके पश्चात यही सरकार नहीं रुके, एक एप्लीकेशन और भी दायर हो कि यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पर जो भी कदम आता है सो स्वागत योग्य होगा, परंतु आगे इस चीज को और लटकाया नहीं जाए, जो विवादित जमीन है उसका भी जल्द से जल्द हल हो, जो भी अदालत फैसला दे मगर फैसला दे, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि 30 से 35 साल की प्रतीक्षा बहुत बड़ी प्रतीक्षा होती है, कोई साधारण बात नहीं होती, और उसके बाद भी अगर जो कोई बात आती है तो हम तो सुन रहे थे आदरणीय के शब्दार्थ को, कई बार मतलब अजीब भी लगता है, कई बार दुखद भी लगता है और कई बार मुस्कुरा भी पड़ते हैं कि आखिर और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह का ये फैसला सरकार ने लिया आगे बढ़ने का, निसंदेह स्वागत योग्य है और मैं जरूर कहूंगा कि यही चीजों को रोका नहीं जाए, इसके बाद और भी आगे देश के बड़े मुद्दे हैं जिन पर आपको काम करना है, परंतु देश का स्वाभिमान है राम मंदिर और देश के स्वाभिमान को जरूर बनना चाहिए। और जैसे कि आज मैं सुबह से मुस्लिम पक्षकारों को सुन रहा था, मैं बहुत प्रसन्न था, उन्होंने कहा कि जो जिस पर विवाद है ही नहीं उस पर प्रारंभ कीजिए, उसमें बाबरी एक्शन कमेटी तक का मैंने सुना, इकबाल अंसारी तक को सुना, उन्होंने कहा जिस पर विवादित नहीं आप प्रारंभ कीजिए और 75% काम कार्यशाला में हो चुका है, अगर जो देश की अदालत उसको मंजूर करती है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, परंतु जो धर्म और न्याय का अब तक चीरहरण हो रहा था उस समय में धृतराष्ट्र चाहे भले ही शांत रहे हो, वर्तमान चाहे 5 साल के अंत में ही सही कोई मूव लिया गया तो यह स्वागत योग्य है और निसंदेह स्वागत करना चाहिए। ठीक ठीक है, मैं आपके सवाल के साथ आगे बढ़ूंगा महमूद पराशर, लेकिन उससे पहले विराग गुप्ता साहब को मैं बहुत देर से लेना चाहता था, मुझे शायद सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत दिनों से एक मामला उठाते रहे हैं, कम से कम मेरे शो पर बहुत मुखरता से उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को एक पक्ष बनना चाहिए, एक पार्टी बननी चाहिए, तब जाकर ये मुद्दा सॉल्व होगा पूरी तरह से। केंद्र सरकार आज तक पार्टी नहीं बनी इसलिए मामला लटक रहा है, वो सवाल पूछते रहे बड़ी मुखरता से, और ये अश्विनी उपाध्याय आपको भी ये सवाल सुनना पड़ेगा, लेकिन पहले विराग गुप्ता से मैं पूछना चाहूंगा, विराग गुप्ता क्या आज ये रिट पिटीशन दायर करके सरकार ने इसमें पार्टी बनने की जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया है, उस पर आगे बढ़ी है, या अभी और भी आप देखते हैं हर्डल्स? नहीं देखिए, आज की जो एप्लीकेशन है ये रिट पिटीशन नहीं है, एक एप्लीकेशन है और वो मामला 2006 के बाद कहां गुम है मुझे पता नहीं है, लेकिन आधी जो बातें हैं पूरी हुई हैं, आधी बातें पूरी होना बाकी हैं। हमने अपनी पुस्तक में दो बातों का जिक्र किया था कि पहले नंबर पर इस मामले का समाधान सिर्फ 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा किया जा सकता है और चीफ जस्टिस साहब ने एक संविधान पीठ का गठन किया, वो एक अच्छी शुरुआत थी। सरकार को पार्टी बनना चाहिए तभी इस मामले में समाधान हो सकता है, आज की एप्लीकेशन से सरकार पार्टी बन गई, लेकिन दो बातें अभी होना बाकी हैं। पहले नंबर पर सरकार के पास जो अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करें अयोध्या कानून के तहत, तो उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के एक पॉजिटिव एप्लीकेशन देनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर इस पूरे मामले का सीधा प्रसारण हो जिससे कि देश की जनता इस बहाने, राम जी के बहाने, न्यायिक सुधारों के मामले को प्रशस्त करे।
अभी अतीकुर रहमान साहब बोल रहे थे कि सरकार को पर्पस बताना चाहिए, नीति बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो ये गैर विवादित जमीन है उसमें सरकार को पर्पस बताने की जरूरत है। लेकिन चार सवाल हैं, वो चाहे अश्विनी जी जवाब दे दें या दूसरे लोग जवाब दे दें। पहला सवाल ये है कि अगर 1993 में नरसिंहा राव सरकार ने गलत अधिग्रहण किया था और इस जमीन की आवश्यकता नहीं थी, तो उसके बाद तो भाजपा की भी सरकार कई बार आई है और ये सरकार भी 4.5 साल से थी, तो आपने उस अधिग्रहण को क्यों नहीं रद्द किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं अप्रोच किया, नंबर एक। नंबर दो सवाल यह है कि इस पूरी एप्लीकेशन के बाद अब विवादों के पिटारे खुलेंगे, 2006 का जजमेंट, 2007 का, 1997 का, 1994 का, 2003 का, हाई कोर्ट का, और इन विवादों अभी क्योंकि जो एप्लीकेशन आई है इसमें जवाब मांगे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के पहले इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला हो पाएगा। और इसमें कोई मंदिर निर्माण की बात नहीं है, बात सरकार ये कर रही है कि जो अधिग्रहित जमीन है वो मैं लोगों को वापस कर दें, वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे वो बात की बातें हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से एक सरकार की जो एप्लीकेशन है, हाँ, वो एक सरकार की नीयत अच्छी हो सकती है, ठीक है, कम से कम एक नीयत दिखाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, कम से कम एक नीयत दिखाने की कोशिश की डॉक्टर, ठीक है मैं आऊंगा सर, लेकिन कानूनी समझ की कमी है, कानूनी समझ की कमी है और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ऑलराइट डॉक्टर महमूद पराचा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि विराग भी कह रहा है, बाकी सब ने भी कहा, स्वामी दीपांकर ने भी कहा कि बड़ी खुशी हो रही है कि जब तमाम तबके के लोग ये कह रहे हैं कि भाई गैर विवादित भूमि पर अगर कोई पहल हो रही है मंदिर की तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तमाम मुस्लिम पक्षकारों के हमने बयान सुने हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन इस पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, एक साइड इसका ये भी है कि बीजेपी को लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 0.3 एकड़ जमीन को एक तरह से छोड़ दिया। क्या ये इस एंगल से देख रहा है पूरा मुस्लिम समाज, इसको इसलिए स्वागत हो रहा है या बात वाकई में स्वागत हो रहा है मंदिर निर्माण का? देखिए, मंदिर निर्माण से तो किसी को कोई भी, जो भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का हार्डकोर कार्यकर्ता नहीं है, जो उनकी प्लानिंग पे नहीं चलता है, उसको कभी कोई समस्या रही नहीं है। बुनियादी समस्या क्या है, अभी ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराकर आरएसएस और बीजेपी इस देश पे राज करना चाह रही है और वो कामयाब भी रही है 1992 के बाद से और 1980 के बाद से। देखा जाए तो ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार बढ़ी है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं और वो केंद्र में सरकार बहुत ही मजबूत। अभी जो पहल हुई है सर, उस पर बात करें, अभी 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 आप लोगों के मन में क्या है? देखिए, किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के मन में पहले दिन से एक ही बात है और सरकार के मोदी जी भी वही बात अब कह रहे हैं कि जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा। परंतु हमारा दुख ये है कि ये जो भी राम भक्त हैं और जो हिंदू समाज के ऐसे लोग हैं जो कि राम के की आस्था में आस्था रखते हैं या दूसरे लोग भी हैं जो आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं का मिसयूज करके सरकार इसका दोहन करते रहना चाहती है, फैसला नहीं चाहती है। और ये जो दरखास्त लगाई गई है, जैसा विराग जी ने भी अभी कहा, इससे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी। ये बहुत ही बुनियादी बात कही है विराग गुप्ता जी ने अभी कि 1996 से लेकर 2006 और दूसरी चीजें आप खुलेंगी, इससे क्या होगा, जो सरकार और जो समाज बैठा है और हमारे जो साधु संत भी बैठे हैं जो ये इल्जाम लगाते आए हैं मुस्लिम पक्ष पे कि वो कपिल सिब्बल के माध्यम से या किसी और माध्यम से तारीख लेते आए हैं, डिले कर रहे हैं ताकि अश्विनी जी आपके पास ही आ रहा हूं, डिले हो सके। अभी बात मेरी पूरी, बात पूरी करने देते हैं। वो अब नकाब उठ गया है, सरकार और आरएसएस और बीजेपी स्वयं ये चाहती है कि इस मसले में देर हो, क्योंकि अब कमोबेश इस पे सुनवाई शुरू होने वाली थी मेन मुद्दे पे, तो उसको डिले करने के लिए और अपने दूसरे हाथ में यह भी लड्डू रखने के लिए कि हमने कोई कार्रवाई कर दी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल अब ये उठने लगे थे राकेश सिन्हा जी से भी, तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं। एक तरफ तो इस मुद्दे को ज्वलंत रखना है ताकि इस इलेक्शन में और अगले इलेक्शन में भी आरोप लगाए जवाब ले लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा सके। ठीक है सर, अश्विनी जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इसको मैं बहुत ज्यादा लीगल पहलू में न जाके एक आम जनता जो कि आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं। ठीक, आपके मकान, आपका मकान मान लीजिए 0.3 एकड़ में है, आपके मकान डिस्प्यूटेड था, उसका मुकदमा चल रहा था, आपके मकान को रास्ता देने के लिए हमें कायदे से 1.5 एकड़ जमीन कब्जा करना एक्वायर करना चाहिए था सर, अगर मैं सरकार हूं। लेकिन हमने क्या किया, आपका बगीचा, आपका पूरा फार्म हाउस, आपके अगल बगल का खेत खलिहान सारा हमने एक्वायर कर लिया 67 एकड़, और यह कह के किया कि
कि जब फैसला हो जाएगा तब वापस कर देंगे। इस बीच में तीन बड़े महत्वपूर्ण डेवलप हुए। पहला डेवलपमेंट हुआ कि इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट है उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, जिसको कि ये बाबरी पक्षकार चाहते थे रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे। जब फाइव जजेस बेंच बनी, मुझे नहीं पता इसमें से किसने वो ऑर्डर पढ़ा, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा हुआ, उस ऑर्डर में बोला कि नहीं अब हम असलम भूरे भी रिव्यू नहीं करेंगे, इस्माइल फारूकी भी रिव्यू नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने ऑर्डर में डिक्टेट करा दिया और फाइव जज बेंच बना दिया। तो अब ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब पुराना कोई भी जजमेंट रिव्यू नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पहले आ चुका था, अब सरकार के पास एक रास्ता मिला कि हाँ लेकिन लेकिन सरकार जो कस्टोडियन बनी हुई है 67 एकड़ की, लेकिन सर ये वो जमीन उसको दे दिया जाए, आरोप यही लग रहा है ना। दूसरी बात, एक मिनट लेता हूं, ये आपने दोहराया सर, मैंने सुना था सर आपको पिछली दफे। सवाल ये ना सर, आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि आप बिना गर्भगृह के मंदिर कैसे बनेगा। आप तो संत ये पूछ रहे हैं ना, इसके आगे की बात पूछ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार साफ साफ आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने विवादित जमीन छोड़ दी, जो एक्चुअल विवादित जमीन थी वो छोड़ दी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ देखिए, यहाँ पे पूजनीय दीपांकर जी बैठे हैं। सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में पहले गर्भगृह नहीं बनता, पहले नींव चारों तरफ खोदी जाती है, चारों तरफ से दीवालें बनती हैं। गर्भगृह का जो मेन मंडप होता है, जो मेन सबसे जो मेन होता है, वो सबसे बाद में बनता है। तो तब तक कम से कम काम शुरू हो जाएगा, कोई छोटा मंदिर वहां बनना नहीं है, एक बहुत ही भव्य मंदिर बनना है। जैसा मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, तो मुझे लगता है उतना बड़ा अगर मंदिर बनाना है, हमें बड़ा मंदिर बनाना है, तो संत समाज और जिसको मंदिर बनाना है, जो न्यास को, वो अपना काम शुरू करेगा। और सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी आग्रह करेंगे, जैसा विराट जी ने कहा, निश्चित रूप से इस पूरे मामले का लाइव प्रसारण होना चाहिए। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, महमूद फराज ने पहले हाथ उठाया था, महमूद फराज के पास, महमूद, मैं स्वामी दीपांकर आपके पास इसके बाद आऊंगा। फराज साहब 30 सेकंड में आपका रिएक्शन पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट फाइव जजेस को हमने खुद लिख के दिया, विराट भाई जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट फाइव जजेस को हमने लिख के दिया है, इसको लाइव होना चाहिए। तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्माइल फारूकी की जजमेंट जो, और ये जजमेंट बता रहे हैं पांच जजेस ने मना किया है, वो सिर्फ इस पॉइंट पे किया है कि विवाद मेरे पीछे रखा हुआ है, इस्माइल फारूकी मेरे पीछे रखा हुआ है, पीछे ही रखे ना, मिस कोट मत कीजिए, इस्माइल फारूकी मेरे पीछे रखा हुआ है, दीपक जी रखा हुआ है ना, लेकिन उसको मिस कोट मत कीजिए, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। इस्माइल फारूकी पढ़िए क्या लिखा है उसमें, मैं वही बात रखिए सर, आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपनी बात रखिए पराचा साहब, अपनी बात रखिए ना, आरोप प्रत्यारोप नहीं। अभी पांच जजों की बेंच ने सिर्फ इस पॉइंट पे ये कहा है कि मस्जिद इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है या नहीं है, वो इस मुद्दे पे जरूरत नहीं है उसकी, सिर्फ इस मुद्दे पे है, और उसको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के आप ये बात बता रहे हैं, ये है असली बात जो कि गुमराह किया जाता है देश की जनता को। बात सही यही है तो कि ये एप्लीकेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो आज की डेट में जो जजमेंट बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बरकरार है, तो बाबरी मस्जिद के पक्ष को फायदा होगा, बाबरी मस्जिद के पक्ष को फायदा होगा कि उसमें इस्माइल फारूकी में सिर्फ ये कहा गया कि उस केस के लिए सिर्फ, लेकिन बाकी अगर आप बाकी परिप्रेक्ष्य में, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको अगर फायदा होगा तो आप कौन रिव्यू मांग रहा है, कहाँ रिव्यू मांग रहे हैं, रिव्यू कौन मांग रहा है, अब कौन मांग रहा है रिव्यू, पांच जजों के फैसले के बाद अब कौन रिव्यू मांग रहा है, कौन रिव्यू मांग रहा है, ये देखिए फिर आप गलत चीख के नहीं होता, बात कोर्ट में बोला, आप इसकी चीखने से बात नहीं होती। ओके चलिए ठीक है, अब आप अच्छा किया, इसके बाद विराट जी के पास जाना है, स्वामी दीपांकर इसके बाद विराट जी के पास जाना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इन्होंने जवाब देने दीजिए मुझे, कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर के वकील थे या नहीं थे, आप तो शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हो ना, शिया वक्फ बोर्ड यूपी सरकार का निकाय है या नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन यूपी सरकार बनाती है या नहीं बनाती है, ठीक है, उसी प्रकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी ठीक है, यूपी सरकार बनाती है, तो कपिल सिब्बल जी ने योगी सरकार की डिले की टेक्निक को अपनाया स्वामी दीपांकर एज वकील, ठीक है सर स्वामी दीपांकर देखिए दीपक भाई, बहुत धैर्य से अपनी बात कहूंगा। अश्विनी जी ने जो बात कही वो निसंदेह वो 100% की बात है। शास्त्र के अनुसार पहले बाहरी निर्माण होता है, बाद में गर्भगृह का निर्माण होता है, और वर्तमान अगर जो देश का संविधान ही देश का ग्रंथ भी मानूं तो भी यही कहूंगा कि पहले अगर जो बाहर की जमीन जिस उस पर ली जा रही है उसे लीजिए, उसके बाद निर्माण प्रारंभ कीजिए, और जब फैसला आएगा डे टू डे हेयरिंग के बाद तब मंदिर का निर्माण भी होगा। मगर एक मुख्य और यक्ष प्रश्न रखना चाहता हूं, बहुत दिनों से सोच रहा हूं, क्योंकि तारीख इतनी मिलती है ना कि इंसान क्या
अब तो मुझे लगता है साधु संत भी इतना सोच सोच करके अब ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, बहुत सारे लोग इसको किस नजरिए से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, मगर इतना ही है कि हिंदुस्तान का आराध्य हूं, हर बार तारीख पर आता हूं और 30 सेकंड भी सुना नहीं जाता तारीख लेकर जाता हूं। कैसी मेरी संतान है कि निशब्द है और मौन है, जज साहब पूछते हैं कि राम आखिर कौन है। और भाई साहब उसके बाद भी आप हमसे कहें कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट और आप जाने कितने आप जो बोलना है सर बोलिए। आज देश का साधु कम से कम प्रसन्न है स्वामी जी, परंतु प्रस्तुति होगी कि वो नहीं पहले विराग जी को सुन लेते हैं सर। आप 50 पूछिएगा मुझे बोलने दीजिए। विराग जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बीच में बोलना सर कुतर्क होता है। विराग जी विराग जी सर 30 सेकंड अगर जो दे तो पूरी कर दे बात। मैं आऊंगा सर स्वामी दीपांकर, इसके बाद अभी और समय है, आऊंगा वापस मैं उनसे। विराग जी विराग जी विराग जी दीपांकर जी जो बोल रहे हैं मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं। और ये जो पूरा मामला है ये बहुत बड़े न्यायिक सुधारों की जरूरत पर जोर देता है कि अगर रामजी अदालतों के चक्कर में फंस गए तो आम आदमी का क्या होता होगा। लेकिन मैं अश्विनी भाई की 2-3 बातों पर थोड़ा सा जवाब दूंगा। आज की एप्लीकेशन जो सरकार ने फाइल की है मेरे सामने रखी है, पैरा 5 पैरा 6 पैरा 7 से लेकर पैरा 12 तक इस्माइल फारूकी जजमेंट का पूरा जिक्र है उसमें, और पैरा 19 में उन्होंने असलम भूरे के जजमेंट का जिक्र किया है। और जो राम जन्मभूमि न्यास है उसकी रिट पिटीशन 1997 में डिसमिस हो गई है। इन सारे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन फाइल हुई है तो क्या आज पुराने जजमेंट्स पर अब बहस नहीं होगी? वो जो बोल रहे हैं बार बार मैं उनसे कानूनी तौर पर सहमत नहीं हूं। दूसरे नंबर पर अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करना है तो ये हमारी CSC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रपोजल है वो भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार को इस बारे में कार्रवाई करना है। और इसलिए भारत सरकार इस बारे में कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अश्विनी भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं, बजाय 5 जजों को लिखने के अपनी सरकार को बोलें कि इस कार्रवाई का सीधा प्रसारण होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर मैं बोल रहा हूं कि ये जब तक सरकार नहीं बोलेगी कि इस मामले की डे टू डे हीरिंग होनी चाहिए तब तक इसका सीधा अतिकुर रहमान आपका रिएक्शन। हाँ अतिकुर रहमान बोलिए। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए मैंने मेरा कमिटमेंट है दूसरे चैनल पर, मैं स्वामी जी से थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूं। स्वामी जी आप मुझे बताइए, जब भरत जी गए थे भगवान राम से मिलने के लिए तो लक्ष्मण जी ने उनका वध करने का प्रपोजल दिया था जो कि भगवान राम ने उनको मना किया था करने से। आपका मंदिर इसलिए नहीं बन पा रहा है स्वामी जी कि आपके राम के नाम पर 2,200 मुसलमानों की हत्या की गई है। आप उसका इंसाफ कर दीजिए, आपका मंदिर बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। गीता भाई बोलने देंगे थोड़ा मेरा, पर इन्होंने ये थोड़ी सी जो बात कही है सुनिए। दीपक भाई मुझे दीपक भाई हाँ ठीक है स्वामी बोलिए, सुनिए मुझे गीता जी के पास जाना है। आपके 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 डिबेट का फॉर्मेट फॉलो किया तो इनके वो शब्द मैंने सुने जो बिल्कुल उचित नहीं है। और ये वो बोल गए, ये पता नहीं क्यों ये मजाक बनाकर चले जाते हैं, ये रामायण का महाभारत का गीता का शास्त्र का। मैं ये कहूंगा सर, क्या लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अजूरा ज्ञान खतरनाक है सर। आप मैं शोर नहीं मचाऊंगा, माफी मांगो चीखो पुकारो कुछ नहीं कहूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा सर कि 100 करोड़ लोगों का जो बहुसंख्यक है आप उनका सम्मान नहीं करते, मत करिए। उनके आराध्याओं का अपमान कम से कम मत करिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप विद्वान व्यक्ति हैं, अपने नाम के आगे स्कॉलर लिखते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम में ताकत थी तो अफजल गुरु के लिए रात में दरवाजे खुलवा दिए, आप में ताकत हो तो खुलवा लीजिए। सर ऐसा मत बोलिए, शोभा ना दे। गीता भट्ट प्लीज आप डिबेट आगे बढ़ाए। ठीक है गीता भट्ट जी अब आपके पास आऊंगा। बार बार इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात भी की जा रही है। हाँ 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 गीता भट्ट प्लीज कंटिन्यू। स्वामी जी ने जो बात अभी कही और अतिकुर रहमान जी ने जो इस तरह का जो कटाक्ष अभी कहकर वो चले गए इस डिबेट से, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो यहाँ बैठकर जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं नहीं मानती कि अल्पसंख्यक समुदाय का की सोच इस तरह की है, क्योंकि जो चाहे वो अतिकुर रहमान जी हों या जो यहाँ अब्दुल रजाक जी बैठे हैं, सबके जो पुरखे हैं पूर्वज हैं वो हिंदू समाज के ही आते, क्योंकि हम जो आप
राम सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, वो एक हमारे संस्कृति, हमारे संस्कृति के प्रतीक है, वो एक नैतिकता के प्रतीक है इस समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए। और इस तरह की ऐसा कटाक्ष और ऐसी बात कहना, ये बहुत ही चुभती हुई बात उन्होंने कही है। ऐसे अगर कई प्रमाण, ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं तो यहाँ पे सुबह से शाम हो जाएगी, जहां अल्पसंख्यक समाज ने किस तरह से सहा है इस तरह का कुठाराघात। तो इस विषय पे बात ना करते हुए, जो एक आप सिर्फ आज, क्योंकि राम मंदिर का विषय आस्था का विषय है, और हालांकि वो जो न्यायपालिका के दाव पेच है उनमें फंसा हुआ है, और इसकी वजह से आज जो राजनीतिकरण जो लोग जिन्होंने किया है, जिसकी वजह से आज न्यायपालिका में इतने लंबे समय से इस केस की सुनवाई चल रही है, प्रश्न ये है कि अगर वो लोग अगर इस तरह की दखल अंदाजी को बंद कर देंगे तो इसका समाधान शायद बहुत जल्दी आ सके न्यायपालिका से। अब्दुल रजाक, आप ये देखिए, मुझे कड़क सवाल का जवाब भी लेना है। यूयू ललित एक न्यायाधीश यूयू ललित और कड़क सवाल का जवाब भी लेना। एक और रमना जो है, उन्होंने भी अपना जो है हाथ इससे वापस ले लिया, कहा कि वो नहीं भाग बनना चाहते, और इसके कारण फिर आप देखिए ना कैसे धीरे धीरे 29 अक्टूबर से आज 29 जनवरी हो गई है। ठीक है मैम, ओके। अब्दुल रजाक खान, ये जो एप्लीकेशन जो दी है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करे या नहीं करे या क्या इस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन एक मार्ग जरूर खुला है जो मैं कह रहा हूं। और अगर ये मार्ग, क्योंकि अभी भी संत समाज का, राम भक्तों का एक अभी भी एक्सपेक्टेशंस ये है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी वक्त है, वो बात चाहे अध्यादेश की हो चाहे वो बिल की हो, अगर यहां पर इस एप्लीकेशन पर किसी तरह के संकट के बादल मंडराते हैं और मामला फिर से एक बार फिर सरकार के पाले में जाता है, फिर से पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो क्या विपक्षी दल, क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल सरकार का समर्थन करेंगे? क्योंकि सड़कों पर आप राम मंदिर के पक्ष में नारे बुलंद कर रहे हैं, असली परीक्षा आपकी संसद में भी होगी अगर ऐसा नौबत आती है तो। दीपक जी देखिए, इसके ऊपर सिर्फ राजनीति हो रही है। आज भी ये जो रिट पिटीशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, इस पर भी एक राजनीति है। देखिए, जब कोई ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर करती है और गवर्नमेंट जिस ज़मीन की कस्टोडियन है, वो ज़मीन अगर आप एक स्पेसिफिक फेथ के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बीजेपी हर नेता इस बात को जानते हैं। यहाँ बड़े बड़े वकील बैठे हैं, मैं और भी नहीं करना चाहता। बात तो बहुत आगे तक चली गई ना, बात तो मंदिर तक आ रही है। आप लोग समर्थन देंगे या नहीं देंगे? दीपक जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, 282 सीट पर आ गई बीजेपी, भी एक बार भी मोदी जी हो या अमित जी हो, आप पॉलिटिकली अयोध्या गए ना भगवान के दर्शन किए, ये सभी श्रद्धा आता है। पॉलिटिकली उलझा देते हैं, सिर्फ ऑर्डिनेंस लाने की बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी समर्थन करेंगे ये ऑर्डिनेंस लाने से। रहे सिर्फ ये बात हजार बार समर्थन करेंगे, हम अगर से ऑर्डिनेंस लाएंगे तो क्या राहुल गांधी जी समर्थन करेंगे? जब आएगा तब देखा जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें ना करें, देश की जनता के मन में गलत भावनाएं ना जगाए, आंखों में धूल ना झोंके। अब मैं इसके बाद रिएक्शन लूंगा, आखिरी रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस वक्त कड़क सवाल के आंसर लेने का मेरे पास वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे देश की जनता भी इस पूरे प्रोग्राम में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो अपना रिएक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही है। मैं सबके पास आऊंगा सर आखिरी रिएक्शन लेने के लिए। हमारा कड़क सवाल था, क्या 2019 के चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का काम शुरू हो पाएगा? हाँ, लोगों ने कहा है, 44% लोगों ने कहा है हाँ शुरू हो जाएगा, लेकिन 56% लोगों को अभी भी लगता है कि मंदिर निर्माण का काम शायद शुरू ना हो पाए। फटाफट से रिएक्शन लूंगा मैं। अश्विनी उपाध्याय, देखिए आपने मुंह तो बड़ा लिया और आपकी प्रशंसा भी चारों तरफ हो रही है, लेकिन हमारा जो पोल फिलहाल कह रहा है उसमें ज्यादातर लोगों को आशंका है कि अभी भी कहीं कोर्ट कचहरी में यह मामला उलझ ना जाए, क्या रिएक्शन सर आपका 30 से 40 सेकंड में सर, क्योंकि सबके पास जाना है आखिरी पड़ाव पे। देखिए सरकार इसमें, सरकार अपनी तरफ से हर संभव इसमें कोशिश करेगी। मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हमारे अटॉर्नी जनरल उस पर खड़े होंगे, जो देश के सबसे मुख्य वकील कहे जाते हैं वो खड़े होंगे और अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे, और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी, इसको रिफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि इसकी कस्टोडियन सरकार है। सरकार ने लिया था, बहुत साल हो गए, अननेसेसरी लिया हुआ था, इतना लेने की जरूरत नहीं थी, अब सरकार उसको देना चाहती है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आएगा। ठीक है सर, विराग गुप्ता, आपका रिएक्शन?
देखिए अभी अतुकीर रहमान साहब ने एक आपत्तिजनक बात की थी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में, और चित्रकूट का प्रसंग है जहां का मैं निवासी हूं, वहीं पर राम ने एक बात बोली थी जो बड़ी सामयिक है कि निश्चरहीन मैं करूं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार का जो उद्घोषणा किया था उसका समय आ गया है। दो बातें, नंबर एक कि न्यायिक प्रक्रिया में जो सुधार की जरूरत है वो, दूसरे नंबर पर जो भी मंदिर ने जो विध्वंस के दोषी थे उन दोषियों को जो उसका कानूनी उत्तराधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आसुरी शक्तियों का राम के एक संकल्प के अनुसार उनका कानूनी तरीके से एक समाधान हो, तो मैं समझता हूं तभी एक सही मामले में संवैधानिक व्यवस्था का सूत्रपात होगा। डॉक्टर महमूद पराजा 30 से 40 सेकंड। जो लोग कल तक, और यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि मुस्लिम पक्ष कानूनी अड़चने डाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में डिले करा रहा है, आज जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए एकदम तैयार थी तो उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन लगा दी जिससे ये मामला बहुत ज्यादा देर तक लंबित हो जाएगा और फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हम तो करना चाहते हैं मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहती। फिर जो मोदी सरकार की हर फ्रंट पे फेलियर्स हैं उससे नजर हटा के फिर राम मंदिर को इशू बनाया जाएगा, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया जाएगा और वोटों और नोटों का दोहन किया जाएगा, यही हमारी पीड़ा। ठीक है स्वामी दीपांकर, अब आशीर्वाद मिलेगा क्या मोदी सरकार को चुनावों में संत समाज का? देखिए निसंदेह राजनीतिक बात तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इसका सकारात्मक प्रभाव समूचे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। मगर मैं अपनी बात रखूं, सिर्फ इतना सा कहूंगा 30 सेकंड में कि निसंदेह देश ने बहुत कुछ देखा है और देश बहुत कुछ देख रहा है, परंतु राम मंदिर के विरुद्ध अगर वर्तमान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी विरोधी उसका खड़ा होता है तो कहने की भी जरूरत नहीं है, वो मिट जाएगा। बट किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा कि विराग भाई ने कहा ना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें, देश के ज्वलंत मुद्दे और हैं, आप इस पर निर्णय आने दीजिए। अगला जो देश का मुख्य विषय होगा वो जनसंख्या नियंत्रण होगा, वरना अगर जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कारण जनसंख्या का अनियंत्रित होना होगा। ठीक है गीता भट्ट जी क्या अब ये माना जाए, क्योंकि जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था, हाँ माना जाए कि अब मंदिर भव्य मंदिर का निर्माण होकर रहेगा? देखिए डोभाल जी, आपने जो कड़क प्रश्न किया और जो उसमें आपने उत्तर देखा, उसका जनता में जो ये जो एक 56% ने कहा कि उन्हें नहीं लगता, उसका कारण यही है कि जिस प्रकार से जो नकारात्मक ताकतें हैं वो अब ये जो रिट पिटीशन डली एप्लीकेशन डली है उसके बाद किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगी, जिसका एक उदाहरण जैसे आज राजीव धवन जी ने जिस प्रकार से बात रखी है, उन्होंने मोहम्मद सिद्दीकी जी के जो वकील हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जो उसको सेकुलर रहने की आवश्यकता है और उसने नहीं किया है। तो इस तरह से वो किस अब कौन से दाव पेच खेल के फिर रुकावट बनने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो एक जन आंदोलन है वो जारी रहेगा, जन आंदोलन राम मंदिर बनने के लिए जारी रहेगा। ठीक है अब्दुल रजाक खान आपका रिएक्शन सर फटाफट से। दीपक जी देखिए, अब जब मोदी जी ने खुद कह दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका इंतजार करेंगे, फिर ये रिट पिटीशन लाकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे बीजेपी। देखिए जो शांत संत समाज था मोदी सरकार के नीचे, आज वो संत समाज के लिए लोगों को धमकियां देने वाला हो गया। ठीक ओके क्षेत्र के लिए और कार्यक्रम का समापन करते हुए आज हम जानते हैं हमारे शो के फॉर्मेट के हिसाब से हम डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच देखते हैं। ठीक है सर, डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच हमारे शो के आखिर में हम देते हैं, देख लेते हैं डायलॉग ऑफ द डे किसे गया है। पहले नंबर पर इस मामले का समाधान सिर्फ 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा किया जा सकता है और चीफ जस्टिस साहब ने एक संविधान पीठ का गठन किया, वो एक अच्छी शुरुआत थी। सरकार को पार्टी बनना चाहिए तभी इस मामले में समाधान हो सकता है, आज की एप्लीकेशन से सरकार पार्टी बन गई। बहुत बहुत बधाई विराग जी, और अब बारी है मैन ऑफ द मैच की, देखते हैं मैन ऑफ द मैच किसे गया है। कि हिंदुस्तान का आराध्य हूं, हर बार तारीख पर आता हूं और 30 सेकंड भी सुना नहीं जाता तारीख लेकर जाता हूं। कैसी मेरी संतान है कि निशब्द है और मौन है, जज साहब पूछते हैं कि राम आखिर कौन है। चलिए तो बहुत बहुत बधाई आपको भी स्वामी दीपांकर, और तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने का, और देश की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं देश की बात देखने के लिए। और कुल मिलाकर सरकार का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा
राम भक्त बताएंगे, देश की जनता बताएगी, संत समाज बताएगा कि वाकई में सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक उसके काम आ पाएगा या नहीं। फिलहाल देश की बात में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।